नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है फोटोशॉप सीसी 2019 और 2020 में किस तरीके से आप क्विक बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एक फोटो का बैकग्राउंड बहुत ही इजी और कम समय में मैंने बैकग्राउंड ब्लर किया है, वो आपको दिख रहा है सामने। इसका ओरिजिनल फोटो जो है कुछ इस टाइप का है, आप देखिएगा यहाँ पे, और उसका बैकग्राउंड जो ब्लर किया कुछ इस टाइप का है। हालांकि बहुत नीट से मैंने नहीं किया, और समय देके आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ही अच्छा से काम होता है फोटोशॉप में, आप सबको पता है। एक्चुअली आजकल सभी फोन में बाकायदा बैकग्राउंड ब्लर की फोटो खींचने का ऑप्शन आ रहा है, पोर्ट्रेट मोड में या फिर कई तरह का की और भी फिल्टर लगा के। बट सम टाइम क्या होता है, आपको जितना अमाउंट में बैकग्राउंड ब्लर चाहिए होता है उतना नहीं हो पाता। उस केस में आपको फोटोशॉप अगर आप यूज करते हो तो अच्छा से आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। तो चलिए हम आपको अभी बताएंगे बहुत ही कम समय में इजी तरीके से कैसे आप फोटोशॉप की जो लेटेस्ट वर्जन है 2020 की, उसमें आपका फोटो की बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है फोटो। फोटो को मैंने इंसर्ट कर लिया। कैसे कर लिया आपको पता ही होगा, सिंपली यहाँ पे गया, फाइल पे गया, ओपन में क्लिक किया और वो फोटो जो है यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक ही लेयर है, यही फोटो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फोटो को आपकी पॉलीगन टूल्स है ये वाले टूल लेना है और उससे आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अच्छा से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैंने रफली कर लिया है, आप और भी समय लगा के अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपको जाना है सिलेक्ट पे और जाके आपको क्लिक करना है सिलेक्ट एंड मार्क्स यहाँ पे। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ ऐसा दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे आना है और आके आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से ओवरले पे क्लिक करना है और ओवरले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको जो रेडियस है 4, 5 और 6 रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे 5 कर दिया है। और उसके बाद इस फोटो को थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपने बराबर तरीके से इसको सिलेक्ट नहीं किया है तो इसको यहाँ से आप फिर से थोड़ा सा सिलेक्ट डी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा है तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। जहां जहां अंदर बाहर है सो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शो एड्स पे क्लिक करना है और फिर से देखना है कैसा है, तो ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और डी कंटेनमेंट करके कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको करना है ओके। जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का दिखेगा दोस्तों। फिर आपको करना क्या है, ये नीचे वाला लेयर देख रहे हो बैकग्राउंड में, यहाँ पे करना है डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा, सिंपली आपको करना है ओके। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से ये पॉलीगन टूल उठाना है और फिर से रफली इसको एक बार सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों फिर से मैंने राफली इसको एक बार सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है एडिट पे और एडिट पे आने के बाद आपको जाना है फिल पे और फिल पे जाने के बाद यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन मेनू से कंटेंट अवर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कर लेना है ओके। उसके बाद दोस्तों इस बार आपको जाना है सिलेक्ट में अगेन, उसके बाद करना है डिसिलेक्ट
उसके बाद दोस्तों आपको जाना है फिल्टर पे, और फिल्टर पे जाने के बाद आपको ब्लर पे जाना है। ब्लर पे जाने के बाद यहाँ से आपको लेंस ब्लर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का प्रीव्यू दिखाएगा, और इस प्रीव्यू में देखने के बाद आप यहाँ से ब्लर का अमाउंट जो है, ब्राइटनेस वगैरह वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, सारी चीजें ज्यादा कम करके देखता हूँ कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद करना है ओके। तो दोस्तों देखिए ये फोटो का बैकग्राउंड जो है बहुत ही अच्छी तरह से ब्लर हो चुका है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आने वाला वीडियो का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।